हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिस करंटे लास्ट युप इन जस्ट टेन मिनट सो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको दस मिनट के अंदर सो मेक श्योर की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नॉट फूर्गेट टू हिट ऑन दट टाइनी आज की पहली न्यूज अबाउट आई जी एल ए एस अब ये कौन सा सिस्टम है और क्या इससे रिलेटेड न्यूज आई है ये सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे अब देखो रिसेंट में न्यूज आई है आर्मी इज सेट टू तो रिसीव नेक्स्ट बैच ऑफ शोल्डर फायर इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम अब पहली बात ये देखो सिस्टम जो है आपका ये रशिया से इम्पोर्ट हो रहा है सो पहले क्वेश्चन आ सकता है आपका कि, कि किस कंट्री से ये ओरिजिनली बना है या मैन्युफैक्चर करती है तो, तो दैट इज रशिया है ओके अब दिस इज योर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड डिवलप्ड बाय रशिया तो डेवलप किया है इसे रशिया ने इट इज नोन एज द वेस्ट इन दस ए ट्वेंटी फोर के नाम से भी ये काफी ज्यादा फेमस है आपका एंटर्ड सर्विस इन द रशियन आर्मी इन टू थाउजेंड एंड फोर सो टू थाउजेंड एंड फोर के टाइम पे इसने एंटर किया था आपका इन द रशियन आर्मी अब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में हम सेकेंड मैच एक्वायर करने वाले हैं इट कैन बी फायर बाय एनी इंडिविजुअल तो आप इसे शोल्डर पे रख के आप इसे लॉन्च करोगे और आपको कोई एनिमी एयरक्राफ्ट दिखता है केपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग डाउन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को ऑब्वियसली उसे ही कैच कर पाएगा ये इट के ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड यूटिलाईज एयर टार्गेट सच एस क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन सो so एंड भी आपका अटैक कर सकता है ये ओके okay? सो so ये तो हो गया इसके बारे में नेक्स्ट देखो इसकी प्रोक्योरमेंट से इसका मेन एम क्या है हम जैसे प्रोक्योर कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो सिस्टम को ये इस सिस्टम को आप अपने शोल्डर पे रख सकते हो एंड दिस इज द वन दैट इज गोन गोल लॉन्च दे सो इट्स बेसिकली टू एनहस दर्मीज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस केपेबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे एंड पर्टिकुलरली इन हाई माउंटेन टेरेन अलॉन्ग दर्द बॉर्डर सो वहां पर ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम सो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका जो यूपीएससी है वो नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये नेम वो लिख देंगे एंड देन बी लाइक की ये क्या है आपका टैंक सिस्टम है मिसाइल सिस्टम है यू नो वॉट इज इट सो दीज ऑप्शन सो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है सो so इसे याद रखेगा नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट दिस पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में यू कूड रीड ऑल ऑफ दिस ओके प्लस देखो अगर आप एस एस बी के लिए जाने वाले हो रिसेंट में तो आपको पता होना चाहिए आपको इसकी रेंज भी पता होनी चाहिए इसको ऑल्टीट्यूड भी पता होना चाहिए आपको ठीक है प्लस इसकी क्वालिजन की कोर्स टारगेट स्पीड एवरी थिंग यू शुड नो बिकॉज इफ यू मैंशन समथिंग लाइक दिस दे माइट क्रॉस क्वेश्चन यू आप कर क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं वो और आपको इसके बारे में और डिटेल्स पूछ सकते हैं सो इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा नोट्स पीस में बना लीजिएगा बिकॉज इन द पार्ट वेयर दे आस्क यू अबाउट न्यूज़ दे कुड आस्क यू कि आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो देन रिसेंट में न्यूज़ बताओ सो देअर कुशनल न्यूज बताओनल रिलेटेड न्यूज एंड लीडर ओल वो डिफेंस से रिलेटेड भी आपकी न्यूज पूछ सकते हैं सो इन दिफेंस क्वेश्चन आप इस न्यूज को बता सकते हो और इसके बारे में नोट जरूर बनाना है इसलिए नेक्स्ट आएंगे हम इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड आपकी न्यूज आएंगे देखा गया है की इंडिया विथ दाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन दी वर्ल्ड इन 2023. ट्वेंटी थ्री सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सबसे ज्यादा शट डाउन जिस कंट्री ने देखा है इंटरनेट का वो इंडिया ही रही है एंड देखा गया है कि हमने फिर से रिकॉर्ड होल्ड किया है फिर दिक्स ईयर सिक्स ईयर स्ट्रेट कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शट डाउन रहा है विच इज़ वेरी बैड न्यूज़ इट्स लाइक एक्सट्रीमली बैड न्यूज वाई इज इट अ बैड न्यूज़ या देखो अगर आप इंटरनेट शट डाउन कर देते हो दैट आप उस पर्टिकुलर रीजन का उस पर्टिकुलर रीजन का कम्युनिकेशन बंद कर देती हो विद द आउटर वर्ल्ड सो अगर वहाँ पे कोई एट्रोसिटीज हो रही हैं या वहाँ पर कुछ रॉन्ग हो रहा है सो so वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा टू द वर्ल्ड एंड आल्सो टू द पार्ट्स ऑफ देयर ओन नेशन तो वो वहाँ तक नहीं बात आपकी पहुंच पाती है जिसकी वजह से जो आपकी राइट टू फ्रीडम भी है वो भी कहीं ना कहीं कर्टेल होती है बिक ऑफ दिस ओके okay? सो so, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इंडिया इतने ज्यादा शटडाउन कैसे कर सकता है एंड इतना क्या हुआ हमारे स्टेट में या हमारे नेशन में दैट हमारे जो ऑफिसल्स थे उन्होंने इतनी बार ये स्टेप उठाया या फिर ये से बहुत कैजुअल समझते हैं कि जब भी इनका मूड होता है ये इंटरनेट ने शटडाउन कर देते हैं सो so, ये बड़ी चीज है आपके लिए देखा गया कि इस बार 116 टाइम्स इन आर कंट्री लास्ट ईयर इन्होंने इंटरनेट शट डाउन किया है अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं देखो कि कोई आपका कोलेशन हो गया है कोई आपकी सिविल सोसाइटीज हैं या बॉडीज हैं जिन्होंने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है ठीक है काफी सारे रीजंस हो सकते हैं देखो इसके रीजंस जो इन्होंने बताए इन्होंने बताया इन कि अगर आपके कम्युनल टेंशन चल रही है कहीं पे कोई दो कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में फाइट हुई है ठीक है जैसे हमने देखा था ऑलरेडी हमने देखा है ऐसा मणिपुर में आपका हुआ था राइट सो जैसा वहाँ पे हुआ था दो कम्युनिटीज़ के बीच में अपनी फाइट चली थी बिकॉज ऑफ ऑल द टेंशन एंड ऑल द थिंग्स दैट दे डाउन ट इंटरनेट वहाँ पर और उसकी वजह से देखो क्या हुआ था जो हमने मणिपुर में देखा कि उसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो उनकी सिचुएशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई द सिचुएशन ऑफ द वुमेन दैट वेर एंड द पीपल

ठीक है इसके अलावा देखो अगर आप देखोगे सेकेंड नंबर पे फर्स्ट पे तो हमारी इंडिया आई है इज वेरी शेमफुल नेक्स्ट पे जो आई है दैट इज म्यांमार थर्टी सेवन बार आपका इंटरनेट शट डाउन हुआ था कैन यू सी द डिफरेंस इन नंबर है हंड्रेड एंड सिक्सटीन टाइम्स एंड थर्टी सेवन टाइम्स एंड हम यहाँ पे म्यांमार की बात कर रहे हैं आई जस्ट रिमाइंड यू म्यांमार वो आपकी कंट्री है जहाँ पर कूप चल रहा है जहाँ पर एक्चुअल में गवर्नमेंट को वि थ्रो कर चुके हैं गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर आर्मी आ गई है जिसने अपना रूल रूलिश कर दिया है जिसकी वजह से आप देखोगे कि पूरी कंट्री के अंदर भी आपके काफी सारे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप बन गए हैं अगेंस्ट दी आर्मी जिसे आर्मी से प्रॉब्लम है सो दैट थिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन देयर सो उस कंट्री में थर्टी सेवन टैंक जो है और आपके यहां पर हंड्रेड एंड सिक्सटीन टैंक जो है दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड वेरी कंसर्निंग थिंग एज वेल ओके जहां पर मिलिट्री ने ले ली है पार ऑफ दी कंट्री नेक्स्ट पे आप देखोगे उसके बाद में आए हैं आपका ईरान जहां पे थर्टी फोर टाइम्स हुआ है ईरान को आपकी स्टेट पता ही होगी ईरान इज नॉट वेरी यू नो प्रोग्रेसिव कंट्री उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे अपना आपको इट्स ऑल्सो वेरी वेरी शेनफुल ठीक है ये वही कंट्री है जो आपकी मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है देन आ जाएगा आपका पैलेस्टीन सिक्सटीन टाइम्स एंड वी हैव यूक्रेन जहां पर एट टाइम्स हुआ है सो नंबर का डिफरेंस ही बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर जो सिग्निफाई करेगा कि अगर आप 116 को कंपेयर करोगे विथ 37, 34, देन दिस इज ह्यूज गैप सो कहाँ पर हम रॉन्ग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में ये कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट आएंगे हम सुलवाक से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है जो यहाँ के पी हैं। ही ये बिन शॉर्ट मल्टीपल टाइम असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया है इनपे एंड यू नो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये न्यूज नहीं है आपके लिए यहाँ पर लोकेशन इम्पोर्टेंट है और हम वही डिस्कस करेंगे देखो यूरोप में आपका दिस पोर्शन दिस लैंड लॉक रीजन इज सुल्वाकिया आपका यहाँ पर आप देख सकते हो उदिस इज सुलवाकिया इस, इस साइड है आपका यूक्रेन ठीक है नीचे है आपका हंगरी इधर देखोगे आप ऑस्ट्रिया है इधर चेक रिपब्लिक है पोलैंड है आपका ठीक है सो ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट आपको लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए नेक्स्ट आएंगे हम सी ए पोर्शन पे अब देखो ये काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है ये इम्पोर्टेंट है इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें भी बिकॉज इट्स बिग थिंग देखो फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल्स का टेस्टिंग हुई है उसका नेम भी दिया गया है पोर्टेबल हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं जो डेवलप करे गए हैं उनकी टेस्टिंग अभी रिसेंट में आगरा में हुई है ठीक है तो नेम क्या दिया गया है नेम दिया गया है उसे भीषम राइट नेम तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया अब मेन नेम क्या है इसका मेन नेम है कि ये रैपिड और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी आप देख सकते हो ये आप पैराशूट से आ रहे हैं यहाँ पर एंड आप इसे असेंबल कर पाओगे ऑल दिस इट कुड बी असेंबल जस्ट इन ट्वेल्व मिनट्स आप ट्वेल्व मिनट्स में इसे असेंबल कर पाओगे पूरे को एंड ये आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल की तरह है कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी यहाँ पर हमारी कंट्री से यूज कर सकती है ओके आर एंड पोर्टेबल क्यूब्स पार्ट ऑफ अडर इनिशियटिव कैन केटर अप टू टू हंड्रेड कैजुअलिटीज अगर टू हंड्रेड कैजुअल होती है तो उस टाइम पर येटर कर पाएंगे ये छोटे छोटे जो हॉस्पिटल देख रहे हो पोर्टेबल साइज के वो कर पाएंगे ठीक है ट्वेल्व मिनट्स में अप्रोक्सिमेटली आप इसे सेटअप कर पाओगे वॉटर प्रूफ है आपके लाइट वेट है ड्यूरेबल हॉस्पिटल है ओके नेक्स्ट टाइम फोन पे पे रिसेंटली देखो फोन पे ने आपका पार्टनर किया है श्रीलंका के एक यूपीआई से ठीक है अब मेन पर्पज क्या है देखो मेन पर्पस है कि अगर आप श्रीलंका में जाते हो आप श्रीलंका में एज ए टूरिस्ट जाते हो एंड वहां पर जो उनका स्कैन है कौन सी कंपनी है पहली बार जिसका स्कैन हुआ लंका पे दे हैव लंका पे देर सो so, अगर उनका स्कैन लगा है तो आप अपने नॉर्मल फोन पे को स्कैन करके भी यूज कर पाओगे और आप इजीली ट्रांजैक्शन कर पाओगे ठीक है so, सो इसलिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है टूरिज्म के लिए भी हेल्प करेगा नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंट में आपका ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिया गया था सो so ये किससे दिया गया है ये दिया गया है चंद्रकांत को ओके okay? so सो दिया गया है ही इज द पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास एजुकेशनल सेक्टर में ही एक्सपीरियंस है ये बेसिकली देखो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को एडमिशन से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड और करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपके नेक्स्ट आएंगे इंडिया स्किल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अब देखो ये आपका ग्रैंड इवेंट है जो इंडिया स्किल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर होने वाला है अब यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो फ्रांस में जाएंगे फ्रांस में आपका कॉम्पिटिशन है वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है सो अब आपका टू प्लेस ऑन ऑफ को कहाँ पर हुआ ये हुआ आपका यश भूमि द्वारका न्यू डेही में आपका हुआ था ठीक है अब ऑर्गेनाइज किसने किया द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनप्रिनोरशिप पर्सली ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है ये भी आपको याद रखना है ठीक है इस पे भी नॉर्मल क्वेश्चन गौ, आ सकता है अब इन्होंने ये इवेंट आपका होस्ट किया था इट वॉज सपोर्टेड बाय वेरियस एंटिटीज इंक्लूडेड स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प की थी आपकी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने सेक्टर स्किल काउंसिल्स ने इन सब ने इसकी हेल्प करी थी ठीक है इस एंटायर इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में नेक्स्ट आएंगे आपका कानस हुआ सर रिस में फिल्म फेस्टिवल ठीक है आप देखो यहाँ पर चेंज किया हुआ है यहाँ पर चेंज आया है कि पहले आपका इंडियन पवेलियन था अब उसको चेंज कर दिया गया है उसका नेम चेंज कर दिया गया है और सिर्फ भारत पेविलियन में चेंज किया है सो so ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हुई थी आपके लिए कौन सा एडिशन हुआ था आपका सेवेंटी सेवेंथ एडिशन आपका इस बार हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ठीक है तो ये भी याद रखेंगे उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए न्यूज है दैट इज एक इंडो फ्रेंच आपकी को प्रोडक्शन आई है सो so यहाँ पे मूवी इम्पॉर्टेंट है द नेम ऑफ द फिल्म इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट ठीक है एंड इट्स डायरेक्टेड बाय पायल कपाड़िया So this is also important. Next, we come to the top four words for today. So first word is have subaltern, which means someone with a low ranking in social, political or other hierarchy. It can also mean someone who has been marginalized or oppressed. Then we have eulogize, which means to praise someone or something in a speech or a piece of writing. Then we have vernacularization, which means प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग समथिंग इन टू नेचुरल स्पीच और इन एवरीडे लैंग्वेज सो दैट सब के लिए एक्सेसिबल रहे वो देन वी हैव ट्रांसलेट इट विच मीन द सीड ऑफ एक्सेलिंग और सर पासिंग और गोइंग बियॉन्ड यूज यूजल लिमिट से आगे चले जाए हम लास्टली हम आ जाते हैं फॉर द क्वेश्चन फॉर द डे सो ये क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कॉमेंट्स में एंड अगर आप आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूर फ्रेंड्स एंड डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल With that, we'll end the session here, thank you for watching.